लौट रही हूँ सलमान निजामी जी। हम आपको हमें डिफेंड नहीं करना आता है, ठीक है? अच्छी तरह बीजेपी का डिफेंड कर रही है बैठ। फिर आप आगे बढ़ गई, आप फिर आप आगे बढ़ गई। एक लफ्ज होता है मुलजिम, सीख लीजिए आप, कम आएगा आपको। मीडिया की बात कीजिए, मेरे चैनल पे बैठकर बात कीजिए तो जवाब तो मैं। अरे तो एक साथ लगातार आप बोलेंगे और यहाँ पर लंबे लंबे भाषण देने के लिए तो नहीं बुलाया गया ना गौरव भाटिया। देखिए ये तरीका। आज के इस वीडियो में बात आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी की करेंगे और उनके कुछ ऐसे डिबेट्स देखेंगे जिनमें विपक्षी नेताओं ने उन्हें उनके सवालों पर करारा जवाब दिया। आज तक पर कश्मीर के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर सवाल कांग्रेस नेता से किया। कांग्रेस नेता ने कश्मीर की समस्याओं को एंकर के सामने रखा, जिसके बाद एंकर ने उन्हें टोका, लेकिन कांग्रेस नेता ने भी करारा जवाब दिया। सलमान निजामी, आज 12 जून है, इमरजेंसी की बुनियाद आज ही रखी गई थी सलमान निजामी, और कश्मीर के संदर्भ में आपके नेता कहते हैं कि वहां पर लोकतंत्र को फॉलो नहीं किया गया, वहां पर इंसानियत को जिंदा नहीं रखा गया। बार बार इस तरह के बड़बोले बयान जिससे पाकिस्तान को दूसरी जगहों पर फायदा हो, यूनाइटेड नेशन और दूसरी जगहों पर जाकर वो भारत के स्टैंड को गलत तरीके से रखे, इस तरह का बयान देने का हक है क्या आप लोगों को? ठीक है सर, समझ गए मैं आपकी बात। आपको समझ में नहीं आ रहा कि अपने नेताओं को कैसे डिफेंड करना है, ठीक है ना? मैं समझ गई सलमान निजामी आपकी बात। संगीत राजू दिग्विजय सिंह ने जो कहा है उस पर क्या है स्टैंड आपका? लौट रही हूँ सलमान निजामी जी। आपको हमें डिफेंड नहीं करना आता है, ठीक है? अच्छी तरह बीजेपी का डिफेंड कर रही है बैठ के। सलमान निजामी, यहाँ पर बहस कश्मीर पर है, एंकर पर नहीं है, ठीक है? अब आप शांत रहिए। संगीत राजू, आप भी तो, आप कश्मीर में ट्रेवल किया आपने, सच्चाई आपको मालूम है मुझसे ज्यादा। आप बताइए, आपने बोला था आतंकवाद खत्म होगा 300। सर मुझे सच्चाई मालूम है, इसीलिए कह रही हूँ कि विकास की ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिसको लेकर वहाँ पर LG मनोज सिन्हा आगे बढ़ रहे हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल किसान नेता राकेश टिकैत से किया। राकेश टिकैत किसान बिलों को लेकर और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे, जिस पर एंकर ने उन्हें टोका, लेकिन राकेश टिकैत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आंदोलन को बदनाम करते चाहते हो? ये बदनाम नहीं होगा आंदोलन। आपको लग रहा है कि आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन किसानों की अलग अलग भाषा क्यों है? राकेश टिकैत साहब, तीन महीने से भारतीय आप दिखा रहे हो, आप दिखाते हो। चैनल वालों का क्या हाल है पिछले तीन महीने से? जनवरी के बाद में कोई चैनल दिखाने को तैयार नहीं था यहाँ पे। बंगाल में दिखा रहे हो, बंगाल में रैली हो रही है, इनकी रैली होती है तो कोरोना इनके हाथ में है, बीजेपी की रैली होगी तो कोई कोरोना नहीं है। कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहा है राकेश टिकैत साहब। और आपकी जानकारी के लिए आपको याद भी होगा जब पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में आपने भी रैली की थी, तो मैं खुद वहां पर मौजूद थी मेरी, और मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था। आपका पक्ष क्या है, इसीलिए सर हमने आपको आमंत्रित किया है यकीनन। ठीक है, अब अगला सवाल। जनरल से भी नाराज किया, हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, हमारे गांव हैं, ये हमारे गांव हैं, हमारी कॉलोनियां हैं, इसको बदनाम करने की कोशिश मत करो इसको। आज तक पर मुनव्वर राणा को लेकर एक डिबेट हुई। जब एंकर ने मुनव्वर राणा को अपने सवालों में उलझाने की कोशिश की तो मुनव्वर राणा ने उन्हें टोका और अपने जवाब से चुप करवा दिया। इसके अलावा होटल में 2.5 घंटे तक उन चारों आरोपियों के साथ जिसकी गिरफ्तारी की है मुनव्वर राणा साहब, उसके साथ बैठकर साजिश की गई थी बकायदा, और यहाँ पर आप अपने बेटे को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं मुनव्वर साहब। मैंने अपने बेटे को पाक साफ नहीं बताया, ये तुम आगे बढ़ गई, हमने तो नहीं बताया। ये हमने कब कहा कि मेरा बेटा पाक साफ होगा? फर्जी केस हो या असली केस हो, जो भी हो, नहीं पकड़ेगी तो मुल्क में केस तो होते ही रहेंगे। तो आप ये मान रहे हैं कि आपका बेटा ऐसा होना बंद भी नहीं हो जाएंगे उसको, और उसको ढूंढने के लिए पुलिस आपके घर पर गई थी? नहीं, कैसे मान लेंगे? फिर आप आगे बढ़ गई, आप आगे बढ़ गई। एक लफ्ज होता है मुलजिम, सीख लीजिए आप, कम आएगा आपको एंकरिंग में। एक लफ्ज होता है मुजरिम, मुलजिम वो होता है जिसको, जिस पर अभी इल्जाम लगा दिया जाएगा कि मुनव्वर राणा ने रेप किया, ये मुलजिम हुआ। जब ये साबित हो जाएगा कि मुनव्वर राणा रेपिस्ट है, व्हाटएवर, जो भी टेररिस्ट है, कम्युनिस्ट है, जो भी कहिए आप, तो इसके बाद वो हुआ मुजरिम। आज तक पर उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कांग्रेस नेता से कुछ सवाल किए। कांग्रेस नेता ने राफेल के मुद्दे पर बात करने को कहा और नेता ने मीडिया पर सवाल खड़े किए, जिस पर एंकर भड़क उठी। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मुझे बहुत दुख है, आज बहुत कष्ट है कि उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी ने बदला है, जिससे बीजेपी ने इस्तीफा लिया है, उस पर चर्चा हो रही है सुबह से, लेकिन राफेल स्कैम जिसने फ्रांस से हिंदुस्तान तक तहलका मचा रखा है, आज फ्रांस से दिल्ली तक
राफेल स्कैम की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है और नेशनल टेलीविजन पर राफेल स्कैम की चर्चा ना होना यह देश का दुर्भाग्य है और मैं समझता हूं कि मीडिया को तुरंत प्रभाव से राफेल स्कैम पर चर्चा शुरू करनी चाहिए। जहां तक सवाल ममता जी आप का संपादक है हमारे बंगाल के सरकार आप डिसाइड करेंगे कि क्या चलना है क्या नहीं चल रहा है मुकेश शर्मा जी और आप लोग कहां पर राफेल का मुद्दा उठा रहे हैं ट्विटर पे। नहीं नहीं मुकेश जी एक सेकंड, मीडिया की बात कीजिए मेरे चैनल पे बैठकर बात कीजिए तो जवाब तो मैं ही दूंगी ना सर। अब मैं मीडिया से इतर तो हूँ नहीं मुकेश शर्मा जी आज तक पर राफेल के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में भाजपा नेता जवाब देने लगे तभी कांग्रेस नेता ने उन्हें बीच में टोका। इसके बाद गौरव भाटिया ने एंकर पर ही सवाल खड़े कर दिए और उनको सुना दिया। बाढ़ में नहीं जाते हैं हम वर्तमान में रहते हैं। गौरव भाटिया जी आप देखिए वो सवाल तो पूछेंगे ना वो विपक्ष है आप सत्ता पक्ष तो विपक्ष जब भी सवाल पूछे उसका जवाब देना आपका काम है। गौरव भाटिया जी ऐसे बार बार आप बच्चों की तरह नाराज हो जाएंगे कि मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा मैं शांत रहूंगा ठीक नहीं है। गौरव जी आपके आपके इतने सारे चाहने वाले हैं जो आपको सुनना चाहते हैं बार बार गुस्सा आएंगे समय खराब होगा प्लीज गौरव ठीक है सर ठीक है क्या नाराज हो गए अगर शिष्टाचार बना के अपनी बारी में बोल रहे गलत है आप चाहती चिल्ला एक दूसरे अरे तो एक साथ लगातार आप बोलेंगे और यहाँ पर लंबे लंबे भाषण देने के लिए तो नहीं बुलाया गया ना गौरव भाटिया। देखिए ये तरीका छोड़ दीजिए एंकर के ऊपर चिल्लाने और गुस्सा करने का तरीका गौरव भाटिया छोड़ दीजिए ठीक है। उन्होंने बीच में सवाल पूछे मैंने उनको बीच में टोका था। गौरव भाटिया जी प्लीज आपके तेवर हैं तो बाकी यहाँ पर भी तेवर हैं है ना सर। हम मुद्दे पर आए ना हम व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करते हैं तो जजमेंट पढ़ना अगर जजमेंट पढ़ना वो मुद्दे पे आना नहीं है तो क्या है बताइए तो आपको कोई मना नहीं कर रहा है गौरव भाटिया जी। लेकिन हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि जैसे मीडिया विपक्ष नेताओं से सवाल करता है वैसे ही भाजपा नेताओं से भी सवाल करेगा और जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों को उठाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।